एप्पल मोबाइल कंपनी के मोबाइल कर्मचारियों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल हमारी कंपनी बहुत ही घाटे में चल रही है। सर ये सब उस डॉल्फिन मोबाइल कंपनी की वजह से हुआ है। सरकार ने इतनी सस्ती स्कीम निकाली है कि लोगों ने एप्पल छोड़ के डॉल्फिन खाना शुरू कर दिया है। यही तो, बिलिंग भी इतनी कम हो गई है कि पूछो मत। और सर जिनकी ज्यादा बिल आती हो तो बिल भरते ही नहीं। जो उनकी उम्र है, इसलिए हमने एक नई स्कीम निकाली है जिससे लोगों को बिल भरने में आसानी होगी। BVS बिल वसूली स्कीम। पांडे, पांडे जी। ओके, ये है पांडे जी। ये उन लोगों से बिल वसूलेंगे जो नहीं भरते। ये क्या अंडरवर्ल्ड के डोन है? नहीं नहीं, ओ भाटिया हंसो मत, ये उससे भी खतरनाक है। है क्या ये? एक्स सब इंस्पेक्टर बिहार पुलिस। क्या बिल वसूल कर पाएंगे? आप चिंता मत करिए सर, हम उनसे भी बिल वसूल कर लेंगे जो मोबाइल नहीं रखते। एक महीना पहले मैंने एप्पल मोबाइल कंपनी का ये सेल फोन लिया था, ये फोन अभी तक चालू नहीं हुआ है। आगे से बाएं शुक्ला जी की टेबल है, वहां जाके खड़े हो जाओ, फोन चालू हो जाएगा। उधर अच्छा, थैंक यू की क्या बात है, ये तो हमारी ड्यूटी है भाई, जल्दी जाओ वरना शुक्ला जी की ड्यूटी खत्म हो जाएगी। इसको ढूंढ रहे आप? भाई आप बता सकते हैं कि यहाँ पे इंचार्ज कौन है? हाँ बता सकता हूँ, बिल्कुल बता सकता हूँ, लेकिन बताऊंगा नहीं कि ऊषा जी इंचार्ज है। क्यों नहीं बताएंगे कि ऊषा जी इंचार्ज है? पहले ही बताओ कि काम क्या है। काम तो एक्चुअली बहुत जरूरी है। एक काम करो, अपने सेल फोन से नंबर डायल करके हमारे कस्टमर एग्जीक्यूटिव से बात करो। सेल तो नहीं है, तो नया ले लो, बड़ी अच्छी अच्छी स्कीमें निकली हैं। नहीं वैसे तो सेल है। कभी सेल है कभी नहीं है, क्या चक्कर क्या है? बात यह भाई साहब, मैंने 10,000 रुपए का मोबाइल खरीदा था, उसके बाद 2,000 रुपए का सिम कार्ड आपकी कंपनी से डलवाया था। ओके, और आप लोगों ने 2 घंटे में वो चालू भी कर दिया था। हाँ देखा कितनी अच्छी सर्विस है हमारी, कितने फोन किए? एक भी नहीं किया। क्यों? ऑटो में रह गया था ना मोबाइल। तो ऑटो वाले को ढूंढने आया? नहीं नहीं, उसको तो मैंने ढूंढ लिया था, उसने कहा कोई ले गया है। ले गया तो फिर नया ले लो। नया तो बाद में लूंगा ना, मैं पहले पुराना वाला तो ढूंढ लूं, पता चले किसी ने ले लिया है, फोन पे फोन घुमा रहा है, बिल इतना बड़ा आ जाएगा। ओ, तो यहाँ खड़े होकर टाइम वेस्ट कर रहे हो, जल्दी जाओ उषा जी से मिलो। उषा जी कौन है? वही इंचार्ज। मैडम आप उषा जी हैं? वेलकम टू एप्पल, एप्पल में आपका स्वागत है। फॉर इन्फॉर्मेशन इन इंग्लिश डायल 1, हिंदी में जानकारी के लिए 2 डायल कीजिए। डायल कहाँ से करूँ मैं? अच्छा करता हूँ, टिक टिक। अपने बिल की जानकारी के लिए 1 डायल कीजिए। हमारी नई स्कीम्स के बारे में जानने के लिए 2 डायल कीजिए। एप्पल वैल्यू एडेड सर्विसेज के लिए 3 डायल कीजिए। एप्पल रोमिंग के बारे में जानने के लिए 4 डायल कीजिए। हमारे कस्टमर एग्जीक्यूटिव से मिलने के लिए 0 डायल कीजिए। 0 टिक। हमारे कस्टमर एग्जीक्यूटिव से मिलने के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। इंतजार मैडम? इंतजार के लिए धन्यवाद, हमारे सभी कस्टमर एग्जीक्यूटिव इस वक्त बिजी है, हम शीघ्र ही आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। कहाँ से उपस्थित होंगे? उपस्थित तो आप हैं मैडम। हमें उपस्थित होने में आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा? भाई मुझे तो थोड़ी जल्दी है मैडम। इंतजार के लिए धन्यवाद, हम शीघ्र ही आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। अरे जब तक आप उपस्थित होंगी तब तक मैं अनुपस्थित हो जाऊंगा। अरे क्या कर रहे हो, MTNL का ऑफिस समझाएगा, तमीज से पेश आइए। नहीं मैडम आप समझ नहीं रही है, मेरा मोबाइल क्या नया खरीदना है? नहीं नहीं नया नहीं खरीदना है। तो ऑलरेडी खरीदा है? हाँ। तो क्या नई स्कीम लेनी है? वो हमारे यहाँ कॉल 420 स्कीम है ना, 420 रुपए भरो और 420 मिनट तक बात करो। नहीं नहीं वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो चिंता है बिल की। जी हाँ। तो पांडे से मिलो ना, देखो बिल तो भरना ही पड़ेगा, नहीं भरा तो पांडे तुम्हें भर देगा। नहीं नहीं पर मैंने तो कॉल ही नहीं किया ना। तो भी बिल तो भरना ही पड़ेगा ना। बिल तो आया ही नहीं ना। यही तो, पांडे बना देगा ना। आप मुझे बस इतना बता सकती है? बताने के लिए शुक्ला से मिलो, एप्पल कॉल करने के लिए धन्यवाद। शुक्ला कौन है? नमस्कार, मैं शुक्ला, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? शुक्ला जी, 1 महीने पहले ये फोन लिया था, अब तक चालू नहीं हुआ है। नंबर बोलिए सर। 9800333444। पहलवान खान जी? हाँ। आपका फोन तो 2 महीने से चालू है। क्या 1 महीने पहले खरीदा, 2 महीने से चालू है? सर देखिए ना, बिल निकल के आ रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है, ये बिल कैसे आ सकता है? आप इसके लिए पटेल साहब से मिलिए। लेकिन मैंने तो देखिए, एप्पल से बात करने के लिए धन्यवाद मिस्टर पहलवान, नेक्स्ट। जी मुसद्दीलाल पारेख। जी मुसद्दीलाल पारेख, मैं शुक्ला, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? देखिए शुक्ला जी, 2 घंटे पहले मैंने मोबाइल फोन खरीदा था, तो एक ऑटो रिक्शा में भूल गया, ऑटो वाले को मैंने पकड़ के पूछा तो उसने कहा कोई ले गया है, अब कोई ले गया है तो कोई मिसयूज कर रहा होगा, तो आप देखिए बिल कितना ज्यादा पड़ जाएगा। फोन नंबर बोलिए सर। फोन नंबर अभी 2 घंटे पहले ही खरीदा तो ठीक से याद नहीं, कुछ 9800000 ऐसे कुछ था। सर 9800 से कैसे हम पता कर सकते हैं, आगे भी तो कुछ होगा ना? नहीं आगे, अब ऐसा कीजिए ना, आप नाम से पता कर लीजिए, नाम से पता चल जाएगा। किस नाम से फोन था सर? मुसद्दीलाल पारेख।
मुसद्दी लाल पारिक मिल गया क्या फोन? नहीं, मुसद्दी लाल पारिक के नाम से 25 सेल है। अब इसमें से हम कैसे पता करें कि आपका कौन सा सेल है? तो बड़ा प्रॉब्लम है क्या? एक आइडिया है सर, आप ऐसा कीजिए, आप 25 के 25 नंबरों पे फोन कीजिए, तो 24 लोग कहेंगे हमारा फोन है और 25वां आदमी कहेगा ये फोन चोरी का है। जो आदमी कहेगा चोरी का है उसी ने चोरी किया है और वही मेरा मोबाइल का नंबर होगा। गुड। ए भाई, आप रात में पैदा हुए क्या? रात को 2:30 बजे पैदा हुआ था, आपको कैसे पता? तभी नींद में रहते हैं आप। मैं समझा नहीं। अरे रातों के राजा, कौन चोर बोलेगा कि मैंने उसका फोन चोरी किया है? अरे हाँ, तो है, कोई नहीं कहेगा तो मैं क्या करूं? आप ये मुझे बताइए, देखिए जल्दी से मेरा फोन काट दीजिए वरना बिल मुझे काटने को दौड़ेगा। प्लीज कुछ कीजिए शुक्ला जी। देखिए मुसद्दी जी, आप जाकर के हमारे बड़े साहब पटेल साहब से मिलिए। वो कहाँ? वो आप उनके सेक्रेटरी कम प्यून कम एडवाइजर भाटिया साहब से मिलकर पता कर ले। अरे भाटिया जी, भाटिया जी, यू हैव रीड द वॉइसमेल ऑफ भाटिया, प्लीज लीव योर मैसेज आफ्टर द लॉन्ग बीप। पिक भाटिया जी, दिस वॉइस मेल इज फुल। भाटिया जी, द सब्सक्राइबर इज स्विच ऑफ द फोन और नॉट रीचेबल, प्लीज डायल आफ्टर सम टाइम। भाटिया जी, मुझे पटेल साहब से मिलना है। द सब्सक्राइबर इज टॉकिंग ऑन द अदर लाइन, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। अरे कितनी देर स्टे करूं? योर कॉल इज बीइंग डिवर्टेड। हाँ जी कहिए, मैं पटेल आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप मिस्टर पटेल हैं? हाँ जी बोलिए। भाई साहब, मैं बहुत बड़े प्रॉब्लम में हूँ। आइए मेरे कैबिन में आइए। कहिए क्या प्रॉब्लम है आपको? सेल लेना है? नहीं लेना। बिल भरना है? नहीं भरना है। तो क्या काम क्या है आपको? देखिए भाई साहब, 2 घंटे पहले मैंने मोबाइल फोन खरीदा था, आपकी कंपनी का सिम कार्ड डलवाया। वेलकम टू एप्पल, एप्पल में आपका स्वागत है। कौन सी स्कीम ली आपने? कॉल 90। ओह, दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज। आप कॉल 420 स्कीम लीजिए, ये हमारी लेटेस्ट स्कीम है। इसमें क्या है, 420 रुपए में 420 मिनट तक आप बात कर सकते हैं और वो भी 420 दिनों तक। मुझे नहीं चाहिए ना। नो प्रॉब्लम, एक और स्कीम है कॉल लिमिटेड, वो नहीं चाहिए ना। कॉल अनलिमिटेड ट्राई कीजिए। सर वो भी नहीं चाहिए मुझे। बिल की फिक्र मत कीजिए सर, कॉल अनलिमिटेड में भी बिल तो लिमिटेड ही आएगा। सर देखिए, अनलिमिटेड बिल भी तो आ सकता है ना। नहीं नहीं, आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। आप अपने सेल से अगर आदमी का मोबाइल खो जाए तो वो यूज करेगा जिसे वो मिला हो। नहीं नहीं, देखिए कॉल अनलिमिटेड में अगर अनलिमिटेड कॉल्स हो गई तो बिल तो बहुत ज्यादा आ जाएगा ना। ओके, आपका सेल कहीं खो गया है? जी हाँ। तो पहले क्यों नहीं बताया आपने? देखिए तब से मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, 2 घंटे पहले मैंने मोबाइल खरीदा है, ऑटो में वो रह गया, 1 घंटे से यहाँ सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई मेरी बात ही नहीं सुनता है। देखिए किसी बेरहम के हाथ पड़ गया तो वो तो बड़ा बेरहमी से उसका इस्तेमाल करेगा ना। ओके ओके, रिलैक्स। क्या नंबर क्या था सेल का? 98000 कुछ था। ऐसा कुछ था, ऐसा नहीं चलता है। क्या ये कुछ क्या था? देखिए भाई साहब, 2 घंटे के अंदर 10 डिजिट का नंबर तो आदमी को याद नहीं हो सकता है ना। पटेल साहब प्लीज कुछ कीजिए, देखिए नहीं तो बहुत ज्यादा बिल बढ़ जाएगा। बहुत प्रॉब्लम है आपकी, डोंट यू वरी। आप पांडे जी से मिलिए। ये पांडे जी कौन है? ये हमारे स्पेशल टास्क फोर्स के चीफ है, ये चोरी की रिपोर्ट भी लिखते हैं। कहाँ मिलेंगे? मिलवाता हूँ। यस सर। भाटिया? यस सर। अरे पांडे जी से मिलवाओ। आओ जी। बोल, बिल भरेगा कि नहीं बोल। मेरा फोन ही चालू नहीं है, बिल कहां से भरूं? वो मुझे नहीं पता, मेरा काम है बिल भरवाना, इसलिए बोल, भरता है कि मैं तुझे भरूं। बोल। ये है पांडे जी। ये कौन से वाले पांडे जी हैं जो पिट रहे हैं, जो पीट रहे हैं? नहीं, नहीं, पिटने वाला तो कस्टमर है। क्यों मार रहे हैं बेचारे कस्टमर को? अरे बिल बिल नहीं भरा होगा और क्या, आ जा। बोल बिल भरेगा कि नहीं बोल। बताओ सबका भर दूंगा, किस किस का बिल भर रहे? गुड भाटिया जी, इसे ले जाओ, जिस जिस का बिल नहीं भरा वो सब इससे भरवाओ। हाँ भाई चलिए। आप कहाँ आ रहे हैं? आप ये रहिए, पांडे जी जरा इनको संभालिए। तू आ चल। हाँ भाई, बिल क्यों नहीं भरा? नहीं मेरा तो बिल नहीं आया जी। वो हमें नहीं पता, इधर आइए। बैठ जाऊं? बोलो कितना भरोगे? नहीं मैं बिल क्यों भरूंगा? अरे तो यहाँ क्यों आए? देखिए एक्चुअली बात यह है कि मैं मोबाइल की चोरी की रिपोर्ट करने के लिए आया हूँ। चोरी किया? कहाँ किया, कब किया, कैसे किया, कितने में बेचोगे? अरे नहीं नहीं, मैं बेचूंगा नहीं, मेरा मोबाइल चोरी हुआ है। चोरी हुआ? कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, विस्तार में बताओ जी। 2 घंटे पहले मैंने आपकी कंपनी से मोबाइल खरीदा था। तो क्या हम पे एहसान किया था? नहीं, बड़ी गलती की थी। क्या? नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है सर कि 2 घंटे पहले मैंने मोबाइल खरीदा था, वो ऑटो में रह गया। तो आप चाहते हैं कि ऑटो वाले को ढूंढे? नहीं नहीं, उसको तो हमने ढूंढ लिया है। तो यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं? मोबाइल। वो तो ऑटो में रह गया। हाँ लेकिन कुछ चुरा के ले गया ना वहाँ से। हाँ अब तो वो धड़ाधड़ फोन कर रहा होगा। हाँ गुड। अरे आप गुड कह रहे हैं, यहाँ बिल पड़ जाएगा।
नहीं भरा ना तो याद रखना। ये कमाल के आदमी है आप भाई, यहाँ पे मेरा फोन काटने की बजाय आप कह रहे हैं कि बिल भर देना। ये हमारा काम है। हाँ, लेकिन मुझे तो पटेल साहब ने कहा था कि आप मेरी मदद करेंगे फोन ढूंढने में। हाँ, ये भी हमारा काम है। थैंक गॉड। नाम बोलिए। मुसद्दीलाल पारेख। पता 22/23 जाज माऊ। मोबाइल कौन सी कंपनी का था? जी आप ही की कंपनी का था। मैं अपनी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, हैंडसेट कौन सी कंपनी का था? मोबिली। ये कौन सी कंपनी है? बहुत अच्छी कंपनी है, चाइना की है। सस्ता वाला होगा। 5,000 रुपए का था। नंबर बताइए। नंबर 9800 कुछ ऐसे था। कुछ क्या था आगे? आगे तो पता नहीं है जी। कमाल के आदमी आप, मोबाइल आपका खोया और आपको नंबर तक नहीं मालूम। देखिए भाई साहब, 2 घंटे पहले मैंने यहाँ से खरीदा था, तो आदमी को इतनी जल्दी नंबर नहीं याद होता है। तो ठीक से याद कीजिए। 9800 6549 6 4 9 5 9 9 8 0 नहीं याद आ रहा जी, प्लीज। एक काम करिए। हाँ जी बोलिए। एक हफ्ते के बाद आइए। जी ठीक। भाई साहब, एक हफ्ते में उस मोबाइल को किसी ने मिस यूज कर लिया तो इतना यूज हो जाएगा कि मैं यूजलेस हो जाऊंगा। अरे टाइम तो लगता ही है ना, पुलिस वाले एक दिन में कंप्लेन नहीं लिखेंगे, 2-3 दिन उसमें लग जाएंगे और 4-1 दिन लग जाएंगे तहकीकात में। उसके बाद हम आपको ये बता पाएंगे कि आपका मोबाइल नहीं मिला। ये तो अभी बता रहे हैं। नहीं नहीं, हम तब बताएंगे। तो अभी क्या बताया? जो तब बताएंगे। तो अभी क्यों बताया? आपने पूछा इसलिए बताया। तो तब क्या बताएंगे? तब कब? एक हफ्ते बाद। अरे तब की तब देखी जाएगी। कब की कब देखी जाएगी? अरे तब जब आप आओगे। मैं कब आऊंगा? अरे जब जाओगे तो आओगे ना, जाइए, एक हफ्ते के बाद आइए। ठीक है, मैं जाता हूँ एक हफ्ते के बाद। मेरा टेलीफोन कहाँ ना पता करेंगे। पांडे जी, ये आदमी फोन का बिल देने में बहुत आनाकानी कर रहा है, देख लो इसको जरा। आओ इधर, इधर आइयो। मैं चलता हूँ पांडे जी। आ जा। बोल, कब लिया था मोबाइल? 2 महीने हो गए। क्या? मैडम, वेलकम टू एप्पल। एप्पल में आपका स्वागत है। फॉर इन्फॉर्मेशन इन इंग्लिश डायल 1। नहीं, 2, 2, 10। मुझे हिंदी में इन्फॉर्मेशन चाहिए, और ना ही मुझे ये जानकारी चाहिए कि बिल कहाँ से मिलता है, और ना ये जानकारी चाहिए कि एप्पल में क्या कहाँ होता है। मुझे एक नई जानकारी चाहिए कि पांडे जी कहाँ बैठते हैं। दिस एंट्री इज इनवैलिड। क्या? यही तो, इस सिस्टम में पांडे जी की जानकारी नहीं है। भाई अजीब सिस्टम है। अरे पांडे जी, पांडे जी, द सब्सक्राइबर यू हैव कॉल्ड इज बिजी ऑन अदर लाइन, प्लीज होल्ड द लाइन। अरे कमाल है भाई, 10 दिन से यहाँ पे चक्कर लगा रहा हूँ, कोई सही तरह से जवाब ही नहीं देता, मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ चला जाऊँ। अरे पटेल साहब, पटेल साहब। यस। आपने मुझे पहचाना? सॉरी सर। 10 दिन पहले आपसे मिला था। आप मुझसे मिले थे? जी हाँ। मैं मिला था आपसे। हाँ, वो अंदर केबिन में। याद नहीं आ रहा। वो आपने 420 रुपए में 420 मिनट बात करने वाली स्कीम बताई थी। हाँ, आपने ली थी वो स्कीम? जी नहीं। तो कौन सी ली थी? कोई नहीं। फिर कैसे याद आएगा, क्योंकि हम सिर्फ अपने कस्टमर्स को याद रखते हैं। नहीं नहीं सर, मैं आपका कस्टमर हूँ। कहाँ है आपका मोबाइल? कहाँ? नहीं, क्या है कि 10 दिन पहले मैंने मोबाइल खरीदा था, वो ऑटो में छूट गया। ओ, फिर तो आप हमारे कस्टमर नहीं हुए ना। क्यों? क्योंकि क्या है, हमारा कस्टमर तो वो होता है जो हमारा मोबाइल इस्तेमाल करता है, और आपका मोबाइल तो चोरी हो गया, तो वो तो चोर के पास होगा, तो हमारा कस्टमर तो वो चोर होगा। करेक्ट। अच्छा तो ठीक है, फिर बिल भी आप उसी से ले लीजिए। नहीं, बिल तो आप देंगे। क्यों? क्योंकि मोबाइल आपके नाम से है ना। मैं तो बिल नहीं दूंगा। ठीक है, तो वो पांडे जी वसूल कर लेंगे, आप जाइए। देखिए पटेल साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप। आप ही ने मुझे भेजा था पांडे जी के पास कि वो पता करके बताएंगे कि मोबाइल कहाँ है। 10 दिन बाद आया हूँ, पांडे जी वहाँ पे है ही नहीं। हाँ, वो आजकल BVS में लगे हैं ना। BVS क्या है? बिल वसूली स्कीम। देखिए पटेल साहब, प्लीज आप मेरी हेल्प कर दीजिए, मुझे तो अपने मोबाइल का नंबर भी ठीक से याद नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप कल आइए। जी जी। जेंटलमैन, आप जानते हैं इस बार हमारी एप्पल मोबाइल कंपनी की बिलिंग डबल हुई है, डबल। और इसका सारा क्रेडिट जाता है वन एंड ओनली पांडे। आप मुझे क्रेडिट दे रहे हैं कि जूता मार रहे हैं? जूता? मैंने जूता कहाँ मारा, जूता तो स्टिल मेरे पैर में है। मारा आपने? जूता मारा आपने? मुंह से जूता मारा? मुंह से? शुक्र, हाउ कैन यू डू इट? नो, नॉट एट ऑल सर। आपने बिना जी लगाए पांडे बोला। ओह दैट वे, आई एम सॉरी पांडे जी। थैंक यू सर, आप मुझे जूता मार लीजिए, लेकिन पांडे मत बोलिए, वरना मैं अब भी एप्पल छोड़कर चला जाऊंगा बाहर, बनाना वाले मुझे नौकरी दे रहे हो। देखिए देखिए, आपके आने से जो है कस्टमर कम आने शुरू हो गए, लेकिन बिलिंग कितनी बढ़ी है सर। यही तो, कितने महीनों से जो बिल्स पेंडिंग पड़े थे ना, उसकी भी पेमेंट हो गई है। ये कुछ नए क्लाइंट्स की फाइल है, उनसे भी बिल भरवा लिया मैंने। ये एप्पल की कौन सी स्कीम में है पांडे जी? किसी भी स्कीम में नहीं है। क्या? ऑफिस में मोबाइल लेने आया था, मैंने बिल भरवा दिया। सर पांडे जी इतने फास्ट है ना कि एक आदमी टाइम पूछने आया, मरवा के बिल भरवा लिया। थैंक यू सर, 15 साल बिहार पुलिस में नौकरी की है मैंने। यही तो पांडे जी, ये उनकी फाइल है जिनके मोबाइल चोरी हो गए, उनको ढूंढना है।
ओके पांडे जी, उस मुसद्दीलाल के केस का क्या हुआ? वो मिल गया ना उसका मोबाइल, ये देखिए। क्या? अरे लाओ भाई लाओ, बेचारा 15 दिन से बहुत चक्कर काट रहा था। देखो तो कितना यूज हुआ है, देखो तो। ज्यादा यूज नहीं हुआ, मुझे लगता है चोर की कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही होगी। बहुत कम कॉल्स हुए हैं। अब बताइए मुसद्दीलाल जी, खा मखा घबरा गए कि बहुत ज्यादा मिसयूज ना हो गया हो? मिसयूज तो होगा, अब होगा। क्या मतलब? मतलब पांडे जी, ये सेल ना उसे अभी मत देना, 10-12 दिन तक और घुमाओ। क्या है, तब तक मैं अपनी वाइफ को दे दूंगा, वो इसका सही यूज करेगी। यही तो, बाद में कहेंगे कि सेल मिलेगा बिल के साथ। आज 20 दिन हो गए और 20 दिनों में आप मेरा मोबाइल नंबर नहीं पता लगा पाए। सर, आपका था नंबर, आपको मालूम होना चाहिए ना। यही मैंने आपको बताया था ना कि 2 घंटे पहले लिया था, 98000 ऐसे ही कुछ था। तो कुछ से कुछ होने में कुछ टाइम तो लगता ही है ना। देखिए, इतने में तो मेरा सब कुछ हो जाएगा, वो चोर पता नहीं कहाँ कहाँ फोन कर देगा। आप चिंता मत करिए, इसके लिए हमने हिंदुस्तान के सारे शहरों में फैक्स कर दिया, इंटरनेट पर बराबर आपकी जानकारी भेज दी है, हर वेबसाइट में ऐड दे दिया। अरे वाह भाई साहब, थैंक यू, आप मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। ये सरकारी मोबाइल कंपनी नहीं है, एप्पल है, एप्पल हमारे लिए कस्टमर सबसे पहले। तो कब तक मिल जाएगा मेरा मोबाइल? उसके लिए आप कल आइए। जी कल हम आपको ये बताएंगे कि आपको कब बुलाएंगे। अच्छा, तो मैं जाऊं? जाइए, जाने वाले को कौन रोक सकता है जी। छब्बीस दिन हो गए मुझे यहाँ पे आते हुए, कभी तो पांडे जी मोटिवेट नहीं होते, और अगर मोटिवेट हो जाते हैं तो कहते हैं कि सेल नहीं मिला। पटेल साहब से पूछो तो वो कहते हैं उषा जी से पूछो, उषा जी से पूछो तो वो कहती है एंट्री इनवैलिड है। अरे मुझे तो लगता है मैं ही वैलिड नहीं हूँ। बड़ी जल्दी ये बात समझ में आ गया आपको? जी मुसद्दी जी, अब थोड़ा समय तो लगता ही है। थोड़ा कह रहे हैं आप, पता नहीं आपको इस थोड़े समय में उस चोर ने कितना इस्तेमाल कर लिया होगा मेरे फोन को। अरे गलती किसकी है, मतलब मोबाइल किसने खोया? मैंने खोया। नंबर किसको याद नहीं है? नंबर है ना 98000 तक याद है, आगे नहीं याद है। बताइए, आपको कुछ याद नहीं है, हम सब कुछ भूल के भी आपका काम करवाते हैं। कहाँ करवाते हैं? अरे ये देखिए, ये आप क्या कहेंगे, ये देखिए, ये और ये भी दीजिए, ये सारे के सारे फोन जो हैं पांडे जी ने बरामद किए हैं। अब बताइए आप भी दीजिए एक मिनट। हाँ ये दीजिए, बताइए इसमें से कौन सा सेल है आपका? इनमें से तो एक भी नहीं है। बस फिर आप अगली बरामदी में पता चलेगा आपका सेल मिलता है कि नहीं मिलता है। अरे भाटिया साहब, मुझे सेल की चिंता नहीं है, मुझे इस बात की चिंता है कि वो चोर मेरे मोबाइल का दबा के इस्तेमाल कर रहा होगा। जी कितना इस्तेमाल कर रहा होगा ये तो बिल आने के बाद ही पता चलेगा। तो वो बिल तो मतलब बीच में से नहीं काट सकते इसको? अरे भाई आपको जब नंबर है याद नहीं है तो हम कहां से क्या क्या कैसे काट सकते हैं? नंबर था ना 9800। अब जाइए घर, जाइए याद करके आइएगा। ओके, अगली बार मैं घर से ही याद करके आऊंगा। हाँ शुक्ला जी, आपको क्या लगता है ये याद करके आएगा? अरे इसको याद आए या ना आए, इसका बिल जरूर आएगा। मैडम वेलकम टू एप्पल, एप्पल में आप। अब इतना ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है मुझे। अरे पांडे जी, शुक्ला जी, भाटिया साहब, पटेल साहब। ओहो, क्या हुआ मुसद्दीलाल जी? अरे कथा क्या कर रहे हैं आप? आखिर बात क्या है? अरे बड़ी खुशी की बात है। खुशी की बात है, फिर तो मिठाई होनी चाहिए। हाँ हाँ मिठाई जरूर होगी, लेकिन पहले पूछिए तो सही कि खुशी की क्या बात है। हमें पता है कि आपको पता चल गया है कि आपका सेलुलर नंबर क्या है। अरे आपको कैसे पता चला? आपके चेहरे की खुशी देख के। नहीं नहीं, पर आपको पता कैसे चला? अरे आपके मोबाइल बिल से। हाँ आपको पता है मेरा मोबाइल नंबर है 9800096341। अरे आपको कैसे पता चला? बिल तो मैंने बनाया ना। क्या? यही तो। पर आपको पता कैसे चला? तुम्हारे एड्रेस से, मुसद्दीलाल पारिक 22/23। नहीं 25 मुसद्दीलाल पारिक रहते हैं ना इस शहर में तो। मगर 25 के 25 22/23 में तो नहीं रहते ना। हाँ तो एक ही रहता है। और वो तुम हो। हाँ, मैं। अरे कमाल, ये तो कितना सिंपल था ना, पहले ही अगर पता चल जाता तो मैं पहले ही कटवा लेता फोन, तो मतलब मिस यूज ना कर पाता ना कोई। अब समझ में आ गया ना? हाँ बिल्कुल समझ में आ गया, आप फौरन काट दीजिए ताकि कोई मिस यूज ना कर सके। मिस यूज तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि अब आपका सेलुलर मिल गया है। क्या? अरे कहाँ था? मेरी बीवी के पास। क्या जी? नहीं था, मेरी बीवी के पास नहीं था, किसी और की बीवी के पास होगा। आपको कैसे पता? 75,000 का बिल तभी आता जब बीवियां फोन करती हैं। 75,000 का बिल? बिल देखा नहीं क्या? ये देखा था। तो बोलो कैसे भरते हो, चेक से या कैश? अरे मैं क्यों भरूं, मैंने तो यूज ही नहीं किया। नहीं नहीं, वो तो हमें पता है। हाँ तो फिर किसी और ने यूज किया है। हमें पता है। हाँ तो पता है तो मैं क्यों दूं बिल? तो सेल आपके नाम है,
यही तो बिल तो आपको भरना ही पड़ेगा। मैं नहीं भरूंगा 75,000 रुपए का बिल। देखो भर दो वरना दो बातें हो जाएगी, या तो हम आपको पुलिस के हवाले करेंगे या तो पांडे जी के हवाले करेंगे। पुलिस के हवाले किया तो ठीक, मगर पांडे जी के हवाले किया तो दो बातें होंगी, या तो या आपको प्यार से भरवाएंगे या तो मार से भरवाएंगे। प्यार तो ही अपनी बीवी से भी नहीं करते, और मार से भरवाया तो दो बातें होगी, या तो आपका इलाज अस्पताल में होगा या तो घर में होगा। घर में हुआ तो ठीक, मगर अस्पताल में हुआ तो दो बातें होगी, या तो 10-15 हजार का खर्च होगा या तो लाख डेढ़ लाख का। 10-15 हजार का खर्च हो इतना हल्का पांडे जी मारते नहीं है कभी, और लाख डेढ़ लाख का खर्च हुआ तो फिर ठीक है, हमारी जेब से थोड़ी ना जाएगा। भरिए लाख डेढ़ लाख। पांडे जी कम ऑन शुरू हो जाइए। भर दूंगा भर दूंगा भर दूंगा, मैं कल ही भर दूंगा। वो तो मैं खुद भरवा लूंगा जी। ये देखो बताओ तुम्हारा फोन चालू रखे या नहीं? नहीं काट दो फौरन काट दो, मेरे लिए लैंडलाइन ही ठीक है। अरे कम से कम वो चोरी तो नहीं होती, होगी भी चोरी तो वो डब्बा चोरी होगा, लाइन तो नहीं चोरी होगी। चलो लाइन भी चोरी होगी तो इतना बिल तो नहीं आएगा, और इतना बिल भी आ गया तो ना भरने पर कोई मारेगा तो नहीं ना? मेरे लिए लैंडलाइन ही ठीक है। काट दो काट दो।